समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कहां कहां पर पुलिस से भिड़े, किन किन जगहों पर पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेताओं को आगे जाने से रोक दिया, आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। 14 सितंबर दिन भर समाजवादी पार्टी सड़क पर, मुद्दों की भरमार, सपा बोले चुप क्यों हो सरकार, अपराध, बेरोजगारी, किसानों के हाल पर सपा के सवाल, विरोध प्रदर्शन में कहीं गूंजे नारे तो कहीं हुआ बवाल, क्या बलिया, क्या बनारस और क्या बुलंदशहर, लाल टोपी में समाजवादी प्रदेश व्यापी प्रदर्शनों में सरकारी नीतियों को लेकर चमकर आवाज बुलंद करते नजर आए। सूबे के हर जिले में सपाई जिलाधिकारी महोदय को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपने पहुंचे। युवा फ्रंटल के तरफ से प्रदेश में व्याप्त अराजकता, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसानों की बेहाली, शिक्षा की दुर्दशा, फीस की बढ़ोतरी, तमाम सवालों को लेकर के आज हमारा ये युवा पूरे प्रदेश व्यापी ज्ञापन देने का काम जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को देने का काम किया जा रहा है। सड़क पर उतरे सपाइयों ने पढ़ते अपराध, बेरोजगारी, स्कूल फीस माफी और किसानों की कशमकश को लेकर कई जगह अपनी मौजूदगी तो दर्ज कराई, लेकिन मुद्दों के बीच सड़क पर उतरे सपाइयों की सियासत भी खूब नजर आई और ऐसे में सरहदें लांघते सपाइयों पर खाकी का कई जगह कहर भी टूटा। गाजीपुर और वाराणसी में सपाइयों के प्रदर्शनों की तस्वीरें कुछ यूं सामने आई। देखिए, हम लोग प्रतापगढ़ में हो रहे अन्याय के खिलाफ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिया था तो वहां जा रहे हैं। अब ये प्रशासन रोक रहा है, या तो हम गवर्नर हाउस जाएंगे या मुख्यमंत्री जी से मिलने जाएंगे और मुख्यमंत्री जी से पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश में इतना अन्याय आपके नेतृत्व में क्यों हो रहा है, आपके अधिकारी क्यों कर रहे हैं और क्यों आप कर रहे हैं। अन्याय के लिए तो सरकार ने बहुमत नहीं दिया था। पहले ताली थाली, फिर मशालें जलाकर मुख्तलिफ मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते समाजवादी अब सड़कों पर भले ही हो लेकिन सरकार अपनी ही रफ्तार में है। ऐसे में कोरोना काल में बढ़ी बेरोजगारी और कोरोना काल के हुए साइड इफेक्ट्स पर सत्ताधारी पार्टी के सतत प्रयास के दावों पर समाजवादी संघर्ष कितना भारी पड़ता है समझ आने में थोड़ा समय जरूर लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।